नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए हैं कुबोटा MU5502, जो कि कुबोटा की तरफ से न्यू मॉडल लॉन्च किया हुआ है और यह 50 से 55 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। आगे वीडियो में इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको देखेंगे, उसके साथ ही इसके इंजन, पावर फिगर, गियर बॉक्स, PTO, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। इसमें हमें सिंगल पीस बोनेट मिल जाता है और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर लीवर दिया हुआ है। इसको पुल करके बड़े आसानी से इसे ओपन कर सकते हैं और इसके बोनेट को ओपन किए होने के लिए गैस रॉड लगाकर मिल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें कुबोटा ने 2434 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया हुआ है, जो कि इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आता है और इस प्रकार का जो फ्यूल पंप होता है बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होता है। और कुबोटा की एक और खास बात है कि यह इनलाइन फ्यूल पंप होने के बाद भी इस ट्रैक्टर को आप चाबी से ही बंद कर सकते हैं और यह पॉसिबल हो पाया है यहाँ पर दिए हुए सोलेनाइट की वजह से। और सभी कंपनी को इस तरह से इनलाइन फ्यूल पंप देना चाहिए, जो कि किसानों के लिए काफी सुविधाजनक और एडवांस भी हो जाता है। और 4 सिलेंडर होने की वजह से यह ट्रैक्टर बिल्कुल ही बैलेंस कंडीशन में चलता है। इसमें आपको ना के बराबर वाइब्रेशन मिलता है और 4 सिलेंडर होने के बाद भी इसमें बैलेंसर शाफ्ट लगाया हुआ है, जो कि क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में घूमकर इंजन को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और यही सब रीजन है कि कुबोटा के जो ट्रैक्टर होते हैं बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करते हैं और यहाँ चलाने में भी काफ़ी आरामदायक होते हैं, जिसकी वजह से किसान भाई इसे फील्ड में लंबे समय तक बिना थकान महसूस किए हुए बड़े आसानी से चला सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ECDIS सिस्टम देखने को मिलता है, इसका मतलब इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है। इसमें कुबोटा ने जो डीजल नोजल होते हैं उसे बिल्कुल ही सेंटर में लगाया हुआ है, जिस वजह से डीजल पूरी तरह से जल पाते हैं। और उसके साथ ही इसमें 4 वाल्व सिस्टम दिया हुआ है, मतलब 1 सिलेंडर के लिए 4 वाल्व, 2 इनलेट और 2 आउटलेट। इस वजह से इसमें एयर इनटेक भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। यहाँ पर बूस्ट कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रैक्टर में अगर जब लोड पड़ता है उस कंडीशन में ट्रैक्टर को अधिक पावर देने की कोशिश करता है, ताकि आपका जो ट्रैक्टर है RPM ड्रॉप ना करें। और यहाँ पर इसके टर्बो चार्जर को देख सकते हैं और साइड में फिंगर गार्ड भी लगाकर दिया हुआ है, आपके सेफ्टी को भी इसमें ध्यान रखा गया है। और इसमें टर्बो चार्जर के साथ ही साथ EGR सिस्टम देखने को भी मिल जाता है, इसका मतलब एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन होता है, जो कि एग्जॉस्ट से निकलने वाले गैस का रीयूज करके इंटेक मैनिफोल्ड में भेजता है, जिसका रीयूज करके इंजन और अधिक से अधिक माइलेज निकालने की कोशिश करता है। तो ये सब फायदे होते हैं EGR के। और इसके टर्बो चार्जर को इंजन ऑयल के माध्यम से ही लुब्रिकेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो टर्बो चार्जर है बहुत लंबे समय तक बड़े आसानी से चलेंगे। और इसका जो मफलर है आपको अंदर में देखने को मिल जाता है, इसका साइलेंसर कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है और यहाँ से आप इसके पूरे लुक को देख सकते हैं। और इसके साइलेंसर में भी सेफ्टी के लिए गार्ड लगाकर दिया हुआ है। और इसमें बायपास सिस्टम के साथ में इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाता है। बायपास सिस्टम का मतलब यह है कि मान लो आपका फिल्टर कभी चोक भी हो गया, उस कंडीशन में आपको समझ में आने तक यह बायपास सिस्टम के माध्यम से इंजन को बड़े आसानी से लुब्रिकेट करते रहेगा। और इसमें कुछ इस प्रकार से रेडिएटर दिया हुआ है और सामने में आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए नेट देखने को मिल जाएगा, ताकि आपका रेडिएटर जल्द से जल्द चोक ना हो। और इसमें प्लास्टिक का फैन ब्लेड कुछ इस प्रकार से मिल जाता है और इस साइड में भी आपको फिंगर गार्ड मिल जाएगा। और इसमें कूलेंट रिजर्वायर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको अन्य कुबोटा ट्रैक्टर की तरह ही 5 साल की सुपर वारंटी देने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेफ्ट साइड में हमें सिंक्रो गियर, डुअल PTO और डुअल क्लच इसका स्टिकर देखने को मिल जाता है। इन सभी का मतलब हम आपको आगे वीडियो में बताते चलेंगे। कुबोटा ने अपने ट्रैक्टर में अलग से मेटल का ये हैवी प्लेट लगाकर दिया हुआ है, जो कि ट्रैक्टर को इंजन और क्लच के बीच से काफ़ी अच्छे तरीके से जोड़कर रखता है। इसकी वजह से ट्रैक्टर हैवी लोड में बार बार टायर उठने और पटकाने की वजह से कभी यहाँ से टूट जाते हैं, उस समस्या को अवॉइड करने के लिए कुबोटा ने इसमें दिया हुआ है, जो कि आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सभी कंपनियों को कुबोटा की तरह ही कुछ इस प्रकार से ये देना चाहिए। बात करें इसके फ्यूल टैंक का, तो इसमें 65 लीटर का फाइबर का डीजल टैंक दिया हुआ है, जो कि आता है 2 डीजल फिल्टर और 1 वाटर सेपरेटर के साथ में। और फाइबर का डीजल टैंक देने से यह फायदा होता है कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं। उसके अलावा इसमें अलग से वाटर सेपरेटर भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसके फ्यूल पंप में डीजल के साथ पानी जाने का समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये जो पंप होता है डीजल के साथ पानी जाने से जल्दी खराब होते हैं, अगर इसमें पानी जाएगा ही नहीं तो इसके पंप का जो लाइफ है और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो ये सब फायदे मिलते हैं आपको कुबोटा ट्रैक्टर लेने से। अभी तक तो आप समझ ही चुके हैं कि कुबोटा ने इस ट्रैक्टर को काफ़ी एडवांस डिज़ाइन किया हुआ है और यह अपने कैटेगरी में सबसे कम SFC के साथ में आता है, इसका मतलब यह आपको माइलेज भी काफ़ी अधिक देता है। और ऊपर से ये सब अरेंजमेंट को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसके फ्यूल टैंक को फिट किया हुआ है और ये सब इसका अरेंजमेंट।
और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कॉलम लगाकर दिया हुआ जो कि इसके रेडिएटर और इसके बोनेट को सपोर्ट करता है। यह 50 HP का पावर 2200 इंजन रेटेड RPM पर एंड मे बी इट प्रोड्यूसेस 180 टू 190 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल कम आउट अबाउट इट्स पावर फिगर वी टेल यू इन कम्युनिटी पोस्ट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन। बात करें इसके स्टेयरिंग का तो इसमें बैलेंस टाइप डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है और इसका जो हाइड्रोलिक जैक है उसको काफी अच्छे तरीके से ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है ताकि मेड़ वगैरह और कभी भी खूंटे वगैरह से लगने से यह खराब नहीं होंगे। और इस प्रकार का जो पंप होता है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है। इसको आप सिंगल उंगली से भी ऑपरेट कर सकते हैं और डबल एक्टिंग होने की वजह से ये जो टायर है कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं खींचता जिससे ये टायर जो है बिना घिसे हुए लंबे समय तक चलते हैं। और इसमें बेवल गियर के साथ में फ्रंट एक्सल दिया हुआ है जिस वजह से इसका जो टर्निंग रेडियस है काफ़ी कम हो जाता है और यही कारण है कि इस ट्रैक्टर को आप कम से कम जगह पर भी बड़े आसानी से मोड़ सकते हैं। और इसका जो एक्सल है इसमें आपको पूरी तरीके से वाटर सील देखने को मिल जाएगा जिस वजह से पडलिंग जैसे कामों को करते समय भी इसमें कहीं से भी पानी और डस्ट वगैरह नहीं जाएगा जिस वजह से आपका जो एक्सल है बिना मेंटेनेंस किए हुए भी लंबे समय तक बड़े आसानी से चलते हैं। और फ्रंट व्हील तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट को बिल्कुल ही बीचों बीच यहाँ अंदर से लाया हुआ है ताकि इसके ग्राउंड क्लियरेंस को बरकरार रखा जा सके और यही कारण है कि कुबोटा अपने फोर व्हील ट्रैक्टर होने के बाद भी इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अधिक दे पाता है। और यहाँ नीचे से आप पूरे इसके बनावट को देख सकते हैं, यहाँ कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। राइट साइड में स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक दोनों के लिए पंप देखने को मिल जाता है जो कि गियर के माध्यम से ऑपरेट होते हैं और यहाँ पर आप हाइड्रोलिक लगे हुए पाइपलाइन को देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाता है। और इसमें 29.2 लीटर प्रति मिनट ऑयल फ्लो रेट देखने को मिल जाता है जिस वजह से इसका जो हाइड्रोलिक का परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। ये रहा इसका लेबलिंग प्लेट, इसमें मॉडल नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट और मैक्सिमम पीटीओ पावर 31.7 किलोवाट बताया हुआ है और यहाँ पर इसके SFC को भी देख सकते हैं जो कि 235 ग्राम पर किलोवाट आवर मिल जाता है। पीछे में आपको कुछ इस प्रकार से वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टूल बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुबोटा का पैचिंग मिल जाएगा, यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह दिया हुआ है, यहाँ पर लाइट भी मिल जाता है। ये रहा इसका प्लाउ लैंप और इसको आप यहीं से ऑन ऑफ कर पाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और यहाँ पर 7-पिन सॉकेट दिया हुआ है इंप्लीमेंट पे लाइट फिट करने के लिए। बात करें इसके एक्सल का तो इसमें आधुनिक जमाने का एपिसाइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में रियर एक्सल दिया हुआ है जो कि झटके और लोड को कभी भी क्राउन पिनियन पर डायरेक्ट नहीं पड़ने देते जिससे आपका जो क्राउन पिनियन हमेशा सुरक्षित बना होता है। और इस प्रकार का जो एक्सल है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट रियर एक्सल माना जाता है। कुबोटा ने आपको अनेक जगह पर मल्टीपल होल्स देकर रखे हुए हैं, इस प्रकार के होल्स आपको सामने देखने को भी मिल जाएंगे जिस वजह से इसमें आप अनेकों प्रकार के इंप्लीमेंट को बड़ा आसानी से अटैच कर सकते हैं। और इसके फेंडर को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हैवी ड्यूटी इसमें सपोर्ट दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से इसे फिट किया हुआ है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा गैप देखने को मिल जाता है जिस वजह से इसमें कभी भी मिट्टी वगैरह और पत्थर वगैरह फंसने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। और ये गैप को देख सकते हैं, इसमें जो गैप है इसको भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है और इस साइड भी आपको काफ़ी अच्छा गैप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको ग्रीसिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का तो इसमें 29.2 लीटर प्रति मिनट ऑयल फ्लो रेट के साथ मैक्सिमम 2100 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ से आप इसके आर्म के डिज़ाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें बॉक्स शेप में स्टेबलाइजर बार देखने को मिल जाता है। ये सब देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसे अटैच किया हुआ है जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें 3-पॉइंट सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को मिल जाता है और इसमें काफ़ी अच्छा सेंसिंग देखने को मिल जाएगा। और यार इसका टॉपलिंग कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसके टॉपलिंग को टॉप करने के लिए ये यहाँ पर मिल जाता है। बात करें इसके पीटो को तो इसमें 31.7 किलोवाट का 6 स्पैन पीटो देखने को मिल जाता है जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड और 750 RPM के साथ में। इसके अलावा इसमें एक और पीटो ऑप्शन मिलता है, उसके लिए आपको दूसरा वेरियंट परचेस करना पड़ेगा, उसमें 540 स्टैंडर्ड और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये 750 पीटीओ RPM मिलने से यह फायदा होता है कि इसे आप कम इंजन रेटेड RPM पर भी अधिक से अधिक इसका रोटेशन प्राप्त कर सकते हैं जिस वजह से इसमें आप जनरेटर वाटर पंप टाइप से इंप्लीमेंट को बड़े आसानी से अटैच कर सकते हैं और उसे कम डीजल खपत पर ही चला पाएंगे। और रिवर्स पीटीओ लेने से आपको यह फायदा मिल जाएगा कि कभी पीटीओ चलित उपकरण में कुछ भी अगर कचड़े वगैरह फंस जाते हैं तो उसे रिवर्स घुमाकर आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। बात करें इसके टायर साइज का तो इसमें 16x28 के बड़े रियर टायर देखने को मिल जाता है और यहाँ से
से आप इसके फेंडर को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया गया है और इसमें 4x4 का बैचिंग मिल जाएगा। और जो रिम है कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छा थिकनेस के साथ में रिम मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका मजबूती और भी अधिक बढ़ जाता है। और इसके नट बोल्ट्स को देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। और फ्रंट टायर की बात करें तो 9/5/24 के फ्रंट टायर देखने को मिल जाएंगे। और इसका भी जो रिम है कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें कुछ इस प्रकार से नट बोल्ट देने को मिल जाएगा। और ये रहा इसका टायर प्रोफाइल। और लेफ्ट साइड से आप ट्रैक्टर के फुल लुक को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ट्रैक्टर पर ऊपर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टे देने को मिल जाता है, इसकी मदद से इसमें आप चढ़ और उतर सकते हैं। और यहां से आप इसके पूरे डैशबोर्ड सहित फुल प्लेटफॉर्म और फेंडर के लुक को देख पा रहे होंगे। इसमें कुछ इस प्रकार से लगभग फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है और इसमें रबर का चादर लगाकर भी दिया हुआ, जिसकी वजह से आप तक गियर बॉक्स का हीट न पहुंच पाए। और इस प्रकार का प्लेटफॉर्म काफ़ी आरामदायक होता है। और इसमें सस्पेंडेड टाइप के क्लच पैडल और ब्रेक पैडल देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी स्मूथ होते हैं ऑपरेट करने में। और इसमें ट्रांसमिशन के लिए आपको अलग क्लच देखने को मिल जाएगा और पीटीओ के लिए अलग क्लच लीवर दिया हुआ है। इसमें आपको 5 फिन के साथ में क्लच प्लेट देखने को मिल जाता है, जो कि अन्य क्लच प्लेट के मुकाबले 25% अधिक चलते हैं। और कुबोटा के ब्रेक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें आपको ऑयल मड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा और इसमें 10 ब्रेक प्लेट देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसका एक्सीलेटर पैडल, जो कि काफ़ी स्मूथ दिया हुआ है और इसको 5501 के मुकाबले काफ़ी चेंज किया गया है। और इस पैडल की मदद से आप इसे ग्रेजुअली एक एक पॉइंट पर भी इसके RPM को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यह बिल्कुल आपके कंट्रोल में एकदम रहता है। की पॉइंट देखने को मिल जाएगा, इसको आप चाबी से ही बंद चालू कर सकते हैं, बिल्कुल कारों की तरह है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कुबोटा ट्रैक्टर में। और इसके ब्रेक को लॉक करने के लिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर मोबाइल होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। और इसमें कॉम्बिनेशन टाइप से ये स्विच दिया हुआ है, इसी में सभी प्रकार के लाइट्स को कंट्रोल कर पाएंगे और इसी से आप हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फोर व्हील को इंगेज और डिसइंगेज करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है। और राइट साइड में हमें डिफरेंशियल लॉक देखने को भी मिल जाता है, जो कि ट्रैक्टर के फंसे हुए के कंडीशन में इसको अप्लाई करके आप इसके दोनों व्हील को एक साथ रोटेट करके ट्रैक्टर के निकलने में सहायता कर सकते हैं। और इसका जो फेंडर है काफ़ी बड़े साइज में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसके पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल दोनों लीवर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑपरेट करने में काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पर आपको सभी चीज़ के लिए पॉइंट्स अलग से बताए हुए हैं, इसके मदद से आप इसे हर एक पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। बात करें इसके गियर बॉक्स का, तो इसमें सिंक्रोमेंस टाइप के गियर बॉक्स दिए हुए हैं, जो कि आते हैं 1, 2, 3, 4 और हाई लो मीडियम और रिवर्स के साथ। इसका मतलब इसमें 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर दिया हुआ है। इसमें आपको 5501 के मुकाबले 4 गियर अधिक देखने को मिल जाता है। और ट्रैक्टर में जितना अधिक गियर होता है उतनी अच्छी बात होता है, क्योंकि इसको आप अपने कंडीशन के हिसाब से सही गियर का चुनाव बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिस वजह से आपको कम डीजल खपत में अधिक से अधिक काम लेते बन जाता है। और रिवर्स गियर को रेंज लीवर में देने से यहाँ फायदा होता है कि इसको आप जिस गियर में चला रहे होंगे उसी गियर में बड़े आसानी से एक ही लीवर की मदद से पीछे कर पाते हैं, जिसकी वजह से यह एक शटल शिफ्ट लीवर के रूप में भी काम करता है, तो यह काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाता है। यह रहा इसका PTO क्लच लीवर, इसको सामने को करने पर इसका जो PTO है ऑन हो जाता है। यहाँ से आप इसके मीटर कंसोल को देख सकते हैं, इसमें एनालॉग प्रकार में RPM मीटर और यहाँ पर डिजिटल टाइप में आवर मीटर दिया हुआ है, फ्यूल गेज, टेम्परेचर मीटर, ऑयल प्रेशर इंडिकेशन, बैटरी और यहाँ पर ओवरहीट, इन सभी चीज़ के लिए इसमें इंडिकेशन मिल जाता है। और रहा इसका स्टीयरिंग, कुछ इस प्रकार से इसमें स्टीयरिंग भी देखने को मिल जाएगा, को हैंड सेटल देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हॉर्न का बटन दिया हुआ है। और ट्रैक्टर में बैठने के बाद कुछ इस तरह से व्यू मिलता है। तो चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसका आवाज़ सुनते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। इस तरह से इसका आवाज़ है और इसका स्टीयरिंग रिस्पांस ये देख सकते हैं, इसमें काफ़ी अधिक कटिंग देखने को मिल जाता है और इसको आप बिल्कुल एक हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं और ये कटिंग को देख पा रहे होंगे। इसमें कुछ इस प्रकार से डिलक्स सीट दिया हुआ है, जिसको इसकी मदद से आप आगे पीछे कर पाएंगे और इसका सीट का जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छा मिल जाता है और यह बड़े साइज में दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसमें बैठने में आपको काफ़ी आराम मिलता है। और सीट के नीचे में ये वॉल्व्स देखने को मिल जाएंगे, इसमें से एक ट्रांसपोर्ट लॉक और इसके सेंसिंग को कम ज़्यादा करने के लिए उसके साथ ही, और इसके लोअर आर्म के ड्रॉप रेट को यहाँ से ही आप कम ज़्यादा भी कर पाएंगे हमने इम्प्लीमेंट के हिसाब से। और 5502 में आपको क्लच लॉक देखने को मिल जाता है, इसकी मदद से आप क्लच को प्रेस करके यहां से लॉक कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक्टर को लंबे समय के लिए खड़े रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो क्लच है कभी भी नहीं चिपकेंगे। बात करें इसके मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड का, तो इसमें 1.8 से 30.8 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड देखने को मिल जाता है और 5.1 से 14 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम रिवर्स स्पीड देखने को मिल जाएगा।
बात करें इसके ऑयलिंग कैपेसिटी का, तो इसके इंजन में 7.6 लीटर का ऑयल और इसके ट्रांसमिशन हाइड्रोलिक एक्सल के लिए 41 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ता है और इसके फोर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में ट्रांसमिशन के लिए आपको 39.5 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ेगा और इसके फ्रंट एक्सल में 13.1 लीटर का ऑयल डालना पड़ता है। और इस प्रकार का एक्सल देने से आपको ट्रैक्टर में अधिक से अधिक ग्राउंड क्लियरेंस मिल पाता है। बात करें इसकी सर्विसिंग का, तो इसका जो फर्स्ट सर्विसिंग है वो 50 घंटे के बाद होता है और उसमें आपका इंजन ऑयल चेंज किया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक 250 घंटे के बाद में आपको इंजन ऑयल चेंज कराना होगा और प्रत्येक 1000 घंटे के बाद में गियर बॉक्स ऑयल भी चेंज होता है। बात करें इसके डायमेंशन का, तो इसका टोटल लेंथ 3715 mm का दिया हुआ है। 2050 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। 1965 mm का व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त 415 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप कुबोटा के कोई भी ट्रैक्टर परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लोकेशन में आकर आप अपना पसंदीदा कुबोटा ट्रैक्टर परचेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको स्टार्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.0 किलोवाट का दिया हुआ है। इस साइड आपको 55 एम्पियर का अल्टरनेटर देखने को मिल जाता है और इसका जो बैटरी है सामने में दिया हुआ है और कुछ इस तरह से इसे फिट किया गया है और यह बैटरी थोड़ा से वेट के रूप में भी काम करता है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर भी फ्यूज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी दो फ्यूज अलग से लगाया हुआ है और इसमें कौन सा फ्यूज किसके लिए है बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ताकि आप जरूरत पड़ने पर स्वयं से भी उसका रिप्लेसमेंट कर सकें। चलिए एक नज़र में देख लेते हैं कि कुबोटा MU5501 के मुकाबले इसमें क्या क्या माइनर और मेजर चेंज किए हुए हैं। सबसे पहले बात अगर इसके डिज़ाइन को देखें, तो यहाँ पर ये नया डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है और इसका जो हेडलैम्प है इसको बाहर की ओर दिया हुआ है, ताकि ये जो लाइट है अधिक से अधिक एरिया कवर कर सके, तो यह चेंज इसमें किया हुआ है। और एक ग्रिल को भी अलग से उभार के डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा इसमें इसके गियर बॉक्स को चेंज किया हुआ है और इसका जो एक्सीलेटर पैडल है इसे भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, तो ये सब चेंजेस इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप MU5502 के फ्रंट लुक को देख सकते हैं और इसमें कुछ इस प्रकार से फ्रंट बम्पर लगाकर दिया जाएगा शिवमंगलम मोटर्स से लेने पर। तो इतना कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स देखने को मिल जाता है आपको कुबोटा MU5502 में। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से कोई भी और डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।